जैन साथियों, मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मार्कोस यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम वीडियो है। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आपकी फिजिकल अब लास्ट होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी हुबली, कोलकाता, पटना और गोरखपुर जोन के हैं वो इस वीडियो पे ध्यान देंगे क्योंकि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अंत समय में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका फिजिकल निकल जाए, फिजिकल पास करना हमारा मेन मोटो होगा। तो साथियों, आप जो भी अभ्यर्थी हैं सबसे पहले पेशेंस रखिए। मैंने कहा था कि जो लड़के बाहर रतलाम में दौड़ने गए थे या लखनऊ दौड़ने गए थे या वेस्टर्न मुंबई कहीं भी दौड़ने गए, अभ्यर्थी पास हो के आए हैं 440 वाले, 450 वाले, तो आप क्यों नहीं पास कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ सेक्रीफाइस होगा, कुछ पेशेंस होगा और कुछ प्लानिंग होगी, आप तभी पास कर पाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मार्कोस टीम है ब्लैक हॉर्स, काले घोड़े का ठिकाना। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आपको मैंने कहा पेशेंस बनाए रखने के लिए, आपका अंत समय है, किसी का दाहिना पैर सूज गया है तो किसी का बायां पैर से चल नहीं पा रहा है, तो किसी को सीन पेन है तो किसी के जांग में दर्द है ना। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा हूं। तो आप सभी को सबसे पहले इन दोनों पैरों का इलाज मैं बता देता हूं। सबसे पहले जिसका 30 तारीख को दौड़ है, ये 30 वाले या एक वाले या दो वाले या तीन वाले, याद रखिएगा कोई भी डेट में दौड़ हो, 3 दिन पहले जिसके पैर में दर्द है वो दौड़ को छोड़ देगा। याद रखिएगा, जिसके पैर में दर्द है वो 3 दिन पहले दौड़ को छोड़ देंगे अपने इच्छा से। वो पावर बना रहेगा बॉडी में, दर्द कम रहेगी और बहाली के दिन 2 घंटे पहले, ठीक अगर 9 बजे आपका बहाली का समय दिया गया है तो आप 7 बजे डायलोना इक्वा लेके, सुई होता है जो कमर पे लिया जाता है, उस सुई को लेके बहाली ग्राउंड में जाएंगे आप। और बहाली ग्राउंड में जाने के बाद आप आसानी से फिजिकल को पास कर सकते हैं, आपके बॉडी में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, जिसके पैर में दर्द है, 4 दिन समय और है दौड़ने के लिए, वो कैसे रनिंग करेगा? तो उसको सबसे पहले 100 रुपये का फिजियोथेरेपी कराएगा और आप धीरे धीरे दौड़ेंगे। अगर आप स्पीड करेंगे तो फिर पैर उखड़ेगा, ये लाजमी है उखड़ना। आप धीरे दौड़िए, ज्यादा दौड़िए, आपका पैर कम से कम खुला हुआ रहेगा। लेकिन अब स्पीड रनिंग वर्कआउट पे ध्यान मत देना क्योंकि आपका पैर डैमेज है साथियों, और आपके बॉडी में पावर रहेगा ना तो 1000 मीटर आप पावर से मार सकते हैं, 1000 मीटर अपने ताकत से मार सकते हैं। जितनी एनर्जी है आपके अंदर, जीवन भर खाए हो बचपन से माँ बाप का और 1000 मीटर नहीं दौड़ सकते हो तो माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हो ना। 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर अगर नहीं दौड़ सकते हो तो आपको सल्फास खा लेने की जरूरत है, जो सच्चाई है। 1000 मीटर कोई भी दौड़ सकता है और आसानी से, जो नहीं दौड़ा हुआ वो भी पास करेगा। ये जो लड़के बोल रहे ना कि मैं 10 दिन में पास कर गया, मार्कोस टीम में था, ये मार्कोस टीम का कमाल नहीं है, ये मर्द का कमाल है। तुम मर्द है तभी तुम 10 दिन में फिजिकल पास किए हो, ये हमारा कमाल नहीं है, कोई भी पास कर सकता है साथियों। अब ये 7 दिन में आप क्या खाएं, कैसे खाएं, जो आपका दौड़ निकले क्या करें, सबसे पहले खा के दौड़ने से दौड़ नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना होगा। आप सूखी रोटी खाइए लेकिन समय से खाइए, आप रोटी 3 टाइम खाइए, आपको फायदा करेगा। अन्य सरलित जो सबसे ताकतवर सामान है पूरे हमारी धरती से, हमारी धरती पे, वो है रोटी, दाल, सब्जी, उसके अलावा और कुछ नहीं है। काजू किशमिश वगैरह खाने से अगर पावर होता तो दिन भर हम काजू किशमिश बच्चा को खिलाते, दौड़ाते नहीं, दौड़ाते क्या, नहीं दौड़ाते, कोई बेनिफिट नहीं है उससे। हम बच्चे को काजू किशमिश खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में कभी अमीर बाप का बेटा नहीं आता, इस क्षेत्र में हमेशा वो बेटा आता है जिसका बाप ना मिठाई का दुकान देख के, मिठाई की दुकान में मिठाई देखता है, उसका बाप मिठाई नहीं खरीद पाता है, उस गरीब का बेटा यहाँ तक आता है। किसी का बाप देखेगा कि अपने बेटे के लिए मैं ये साइकिल खरीद लूँ तो साइकिल नहीं खरीद पाता है अपने बेटे के लिए, वैसा बेटा यहाँ आता है, वैसे बाप का बेटा यहाँ पे आता है। तो उस बेटे के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो माँ का दूध पिया है ना वो कहीं भी फिल्टर फाड़ जाएगा। आप याद रखिएगा, आप भी माँ के बेटे हो और माँ की, माँ को काफी उम्मीद होगी और माँ के ममता को, माँ की उम्मीद को आप कायम रखना और आप फिजिकल पास करोगे। पेशेंस बनाए रखना ग्राउंड में। दूसरी चीज, ग्राउंड में सबसे पहले ये याद रखना है कि हम 4 चक्कर मारेंगे, रुकेंगे नहीं, ना पहले राउंड में, ना दूसरे राउंड में, ना तीसरे में, ना चौथे में, ना पांचवें में, कहीं कहीं 5 राउंड का भी ट्रैक है, कहीं कहीं 4 का भी है, कहीं कहीं 3 का भी है, तो आपको उस सिचुएशन में रुकना नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद आप जब दौड़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन ये फिजिकल पास करूंगा। आप ये सोचोगे कि मैं पहला चक्कर मारा, गिनती नहीं भूलोगे, पहला चक्कर मारा
पूरा होगा तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि पहला चक्कर चल रहा है। जब दूसरा जाओगे तो ये पता होगा कि दूसरा चल रहा है, तीसरा जाओगे तो ये पता होगा कि तीसरा चल रहा है। नहीं तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो राउंड भूल गए हैं और उस सिचुएशन में फेल भी किए हैं, जो सच्चाई है। ज्यादा आप मोटिवेशनल वीडियो से दूर रहो, ज्यादा आपको अभी डाइट फाइट के बारे में नहीं सोचना है। जो किए हो पूरे महीने में वही आगे 7 दिन भी करना है, याद रखना। एक्सपेरिमेंट और इंप्लीमेंट कुछ नहीं करना है बॉडी के ऊपर। कोई भी डेका लेगा, अरे जो मर्द का बच्चा वो डेका लेके दौड़ेगा, डेका लेने से दौड़ बनेगा, डेका डेरोब्लिन। अभी हम सुन रहे हैं लड़के मैसेज कर रहे हैं कि डीडी ले लो, डीडी लोगे मर जाओगे ग्राउंड में जाने के बाद। एकदम दूर रहने की जरूरत है इन सब चीजों से। ना रेडबुल काम आएगा, ना रिवाइटल काम आएगा, ना मैनफोर्स काम आएगा, और ना ही आपको काम आएगा डेका डेरोब्लिन। कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा क्या? बाप का दिया हुआ शरीर काम आएगा ग्राउंड में, और आप दौड़ेंगे और दौड़ पास करेंगे। आप सभी इसी प्लानिंग से दौड़े। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। एक बात और, जो लड़के का टाइमिंग बढ़िया आ रहा है, मान लो 4 मिनट आ रहा है, 4 के अंदर आ रहा है, वो टाइम अब मत लगाना, अब अंतिम समय है, गलती से भी समय नहीं देना। जय हिंद।